नमस्कार, सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। मौली फिल्म्स के बैनर तले बन रही बॉलीवुड फिल्म पाशा का आज कृष्णा स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग हुई। इस दौरान मौजूद थे फिल्म के कलाकार दिलजान वाडिया और उनके बधाई देने आए थे फेमस निर्देशक अपूर्व लाखिया। फिल्म में म्यूजिक दे रहे हैं अरविंद सिंह और गाने में आवाज दिया है मशहूर प्लेबैक सिंगर दिव्य कुमार ने। दिव्य कुमार ने काफी बड़ी फिल्मों में गाना गाया है। फिल्म के निर्माता भीमराव पंडित और रवि कदम का मानना है कि ये गाना गणेश जी का गाना है। दूसरी फिल्मों में गणेश जी के गाने की तरह यह गाना भी सुपरहिट होगा। इस गाने को मशहूर एक्टर दिलजान वाडिया के ऊपर फिल्माया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह गाना सुपरहिट होगा। बाकी फिल्म के कलाकार बेहद नामचीन हैं और उनके बारे में जल्द ही जानकारी दी जाएगी। फिल्म अभिनेता दिलजान वाडिया ने कहा कि यह हमारे लिए पॉजिटिव साइन है और इसका फ़ायदा हमारे फिल्म को मिलेगा। फिल्म की कहानी भी काफ़ी शानदार है। आने वाले दिनों में फिल्म से जुड़ी और भी कई नई चीजें लोगों को देखने को मिलेगा, मगर अभी मैं दिव्य कुमार और अरविंद सिंह का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिल्म की शुरुआत में एक शानदार गाने को रिकॉर्ड कराया है। ये गाने श्रोताओं के दिलों पर छा जाएगा। भगवान गणपति से हमारी यही प्रार्थना है। इसका मैं प्रोड्यूसर रवि कदम, जो मावली फिल्म बैनर पे चल रही है, और दिलजान वाडिया को हम लेकर और सारे अच्छे अच्छे स्टार कास्ट लेके हम इसको एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पाशा, इन लोगों ने जो हमारे टेंटेटिव टाइटल अभी उन लोगों ने रखा है पाशा, पाशा इज़ अ गैंगस्टर मूवी। किस तरह एक गैंगस्टर की लाइफ है, जैसे आप कई पिक्चर है गैंगस्टर पे आ चुकी है और हमें काफ़ी लोग ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे गैंगस्टर की मूवी बनाने वाले अपूर्व लाखिया साहब है, वो भी अभी आएंगे, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि एक ऐसी पिक्चर बनाई जाए जो सबसे अलग लगे। गैंगस्टर जो होते हैं, पुराने ज़माने के गैंगस्टर्स अलग थे। अगर 2018 का अगर कोई गैंगस्टर बनता है तो कैसे बनेगा, तो वो अलग आधुनिक तरीके से वो गैंगस्टर होगा, पूरा सारे टेक्नोलॉजी से लेस होगा। तो वो उस हिसाब का एक गैंगस्टर का एक स्टोरी लेके हम लोग चल रहे हैं। दिलजान एक उभरता हुआ स्टार है। पाशा जो फिल्म है उसका आज यहाँ पर मुहूर्त हुआ है। भीमराव पंडित जी और रवि कदम जी, इन्होंने ये फिल्म को प्रोड्यूस किया है। निश्चित तौर पर एक अच्छी स्टोरी, अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स के ऊपर प्रेरित ये स्टोरी है। मुझे विश्वास है कि वाडिया जी और उनकी पूरी टीम और दोनों भी प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि गणपति जी के बहुत गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, बहुत होते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे गाने आ भी चुके हैं और बहुत सारे हिट हुए हैं। तो इन सब गानों से थोड़ा अलग करने की कोशिश थी और मुझे बिल्कुल अब पक्का यकीन हो गया, जैसे दिव्य जी ने गाया उस हिसाब से मुझे लग गया कि ये गाना बिल्कुल हट के है और लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। गाने में एक भक्ति भी है, जोश भी है, उसमें मेलोडी भी है, लोग हर तरह से इसमें अपने आप में जुड़ाव महसूस करेंगे। अरविंदर सिंह साहब जो हमारे बहुत ही फेवरेट हैं और म्यूज़िक से हम इनको पहचानते, बहुत प्यार करते हैं, इनका म्यूज़िक है। और ये गाना भी जो मैं रिकॉर्ड होता सुन रहा था और दिव्या की आवाज़ में, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अब गणपति बापा का जो सीज़न आने वाला है उसमें ये गाना छाने वाला है, हर पंडालों में बजने वाला है, छाने वाला है, क्योंकि बहुत जोश है इसमें। इस गाने में जो गणपति बापा के सारे भक्त, चाहे वो किसी भी तबके का गरीब हो अमीर हो, इस गाने में झूमेगा, डांस करेगा और ये गाना सुपर हिट होगा, सबके दिलों में छाएगा। अरे माँ बाप का आशीर्वाद है और बस हम तो काम कर रहे हैं, हिट और सुपर हिट तो पब्लिक सुन के करती है, तो मैं बहुत लकी हूँ कि लोग गाने को पसंद करते हैं। और ये पहली बार मैंने अरविंदर अंकल के लिए, बचपन से देख रहा हूँ ये ऐसे के ऐसे ही हैं और सुनील पाल सर भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा। ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म अंडरवर्ल्ड डॉन माफिया के ऊपर आधारित है और इसको बहुत ही अच्छे से दर्शा रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर हैं भीमराव पंडित जी और रवि कादम जी, और बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं दिलदान भाई, जिनके साथ मैं पहले भी फिल्में कर चुका हूँ, जैसे कि बेसमेंट आप सबने देखी होगी और उसके पहले बॉलीवुड विल्ला थी, उसमें इंडस्ट्री के काफ़ी सारे स्टार फिल्म स्टार थे। उसके पहले एक और फिल्म थी, अभी ये फिल्म है
पाशा, जैसे कि आप देख रही है फिल्म पाशा जो अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द दर्शकों के सामने आएगी। ये मेरा बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उनको ये पहली फिल्म है उसका, उनको हमारी तरफ से उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। विमरा पंडित हमारे बहुत गहरे दोस्त है, हमारे तरफ से मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ और उसके फिल्म के लिए हम शुभकामना देते हैं। बट नेचुरल जो भी अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट होते हैं, कोई भी फिल्म स्टार्ट होती है तो हमारा पहला कर्तव्य है कि उनको शुभकामनाएँ दें। और आज के टाइम पे कोई इजी नहीं है फिल्म मेकिंग का, और मैं पंडित जी को और कदम जी को दोनों को बधाई देना चाहूँगा कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज द शो विच गेटिंग मोर फेमस एवरी ईयर, बट एक ज़्यादा खुशी है कि बॉलीवुड मूवी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटमेंट है। और सीजन 7 से काफ़ी वेट वीडियोज कर रहा हूँ और अभी भी मेहनत चालू है मेरी, सो आई एम मेकिंग अ न्यू लुक ओवर एवरी ईयर एवरी टाइम। सो होप टू सी ऑल ऑफ अस एंड वी रॉक दिस मूवी वेरी सून। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।